तो गाइस इंडिया में इन्फिनिक्स हॉट एट लॉन्च होने के बाद इन्फिनिक्स की तरफ से एक और स्मार्टफोन बहुत जल्द देखने को मिलेगा जिसका नाम इन्फिनिक्स हॉट एस 5 बताया जा रहा है, जिसके बारे में काफी सारे लीक सामने निकल के आ रही है, जहां आपको इस डिवाइस में पंच होल कैमरा, 4000 mAh की बैटरी और मीडिया टेक का हेडियो P65 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और गाइस ये डिवाइस भी एक बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा जो कि आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो गाइस आगे हम जानेंगे इस डिवाइस के डिटेल स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में और ये डिवाइस इंडिया में कब देखने को मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसी डिवाइस के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ बैक में आपको वही पॉलीकार्बोनेट फिनिशिंग देखने को मिलेगी, साथ ही रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिलेगा, वही फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप बात करें इसी डिवाइस के फ्रंट साइड की, तो यहाँ 6.5 inches की एक पंच होल LCD बेजलेस स्क्रीन देखने को मिलेगी, उसके साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रो प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और गाइस अगर आप बात करी जाए इस डिवाइस के कैमरे की, तो यहाँ रियर साइड में आपको प्राइमरी सेंसर 30 MP देखने को मिलेगा, साथ ही 5 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 MP का एक लो लाइट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और वहीं बात करें इस डिवाइस के फ्रंट कैमरे की, तो यहां आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा, यानी इस डिवाइस का सेल्फी काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग। और गाइस अगर बात करें इन्फिनिक्स S5 के प्रोसेसर की, तो यहां आपको मीडियाटेक का हीलियो P65 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जिसकी क्लॉक स्पीड 2 GHz होगी, यानी यह एक ऑक्टा कोर बेस्ड प्रोसेसर होगा जहां आप अपने मनपसंद गेम को खेल पाएंगे, यानी आपको इस डिवाइस में कोई भी लैग या हीटिंग इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। और गाइस अब अगर बात इस डिवाइस की बैटरी कैपेसिटी की, तो इस डिवाइस में आपको पावर के लिए 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जहां आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। और गाइस अगर बात करें इसी डिवाइस के एंड्रॉयड वर्जन की, तो इस डिवाइस में एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि कलर OS 6 पर वर्क करेगा। साथ ही ग्राफिक्स के लिए यहां GPU आपको माली G52 देखने को मिलेगा। और यहां इस डिवाइस में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहां आप 2 नैनो सिम और 1 SD कार्ड का उपयोग कर पाए, जो कि काफी अच्छी बात है। और गाइस अगर बात कर लें इस डिवाइस की स्टोरेज की, तो इस डिवाइस का 2 वेरिएंट देखने को मिलेगा, 464 और 664। वहीं अगर आप बात कर लें दोनों वेरिएंट के प्राइसिंग की, तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 464 वाला मॉडल 9000 की प्राइस पर देखने को मिलेगा, साथ ही जो इसका हाईली वेरियंट होगा यानी 664 GB वाला मॉडल 11000 की प्राइस पर इंडिया में देखने को मिलेगा। और गाइस अगर बात करी जाए इस डिवाइस के लॉन्च डेट की, तो ये डिवाइस इंडिया में दिसंबर एंड या फिर 2020 में देखने को मिलेगा। और गाइस ये डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इन्फिनिक्स की तरफ से जो भी स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वो हर एक स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन काफी पसंद किया जाता है। तो गाइस ये था कुछ रूमर्स इन्फिनिक्स S5 के बारे में, बट आप लोगों को क्या लगता है क्या कुछ देखने को मिलेगा इस डिवाइस में, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।